नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपना एक वीडियो मैंने बनाए हुए हैं मेरा ग्रंथ संग्रह, हम आपको आज फिर से अपने इसी सीरीज़ में फिर से मैं आपको लेके आया हूं मेरा ग्रंथ संग्रह। यानी लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि सर आपने ग्रंथों के विषय में बताइए, तो मैंने इस विषय पर बहुत रिसर्च की और फिर बाद में इस विषय पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों का भी एक जो है कि आप लोग मेरे ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उस विषय पे मैं आपको कई चीज ग्रंथ दिखा दूं जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितने समय से मैं ग्रंथ परचेस करना शुरू किए हैं तब से लेके अभी तक मैंने कितने ग्रंथ परचेस किए हैं और कितने ग्रंथ रखे हैं, कितने ग्रंथ पढ़े हैं, उसके विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी मैं दे दूँ। तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो सकता था, इसलिए मैंने कुछ भागों में वो वीडियो बनाया है। इसलिए ये मेरे इसी भाग का तृतीय भाग है, यानी तीसरा भाग है बनाने जा रहा हूँ। आप वो मेरे दो वीडियोस जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छी तरह से मेरे ग्रंथ संग्रह समझ में आएगा। किताबों की बहुत ज़्यादा मात्रा में किताबें हैं मेरे पास, मैं आपको एक एक करके सारी किताबें दिखाता हूँ। तो आज इसी श्रृंखला में मैं आपको फिर से वो अपना ग्रंथ दिखाने जा रहा हूँ, कई ग्रंथ मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप देखिए आप मेरा तृतीय भाग मेरा ग्रंथ संग्रह। दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास एक ग्रंथ है अग्निपुराण, देख सकते हैं आप, अग्निपुराण चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का ये अग्निपुराण है, देख सकते हैं। ये मैंने ज्ञान मंदिर से लिया था, ग्वालियर से। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है अग्नि के विषय में, और एक हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आता है, गीता प्रेस का भी आता है। अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन जल्दी आएगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। ये अच्छा ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे कर्मकांड की बातें हैं और वैदिक चीज़ों का भी वर्णन इसमें वर्णन मिलता है, वेदों की कई बातें इसमें वर्णन मिलती हैं। तो अग्निपुराण अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुराण है। तो ये मैंने काफ़ी समय पहले लिया था और आज आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में आगे आप जाएंगे तो ये है मेरे पास हरिवंश पुराण। ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसमें बोलते हैं महाभारत खिलबाक हरिवंश पुराण। यानी ये एक तरह से एक चैप्टर वाइज जो महाभारत चली आ रही है, ये एक तरह से मान सकते हैं कि 6 खंडों में गीता प्रेस ने महाभारत निकाली है। ये छठवा के बाद जो सातवां खंड है ये मान के जी हरिवंश पुराण। हरि का जो वंश है, वंशावली, कई देवी देवताओं की स्तुति और बहुत कुछ इसमें वर्णन है। महाभारत के कई रहस्यों का वर्णन इस किताब में हमको मिलता है। बाकी हरिवंश पुराण और भी प्रकाशन की आती है पर सबसे कम बजट में आपको गीता प्रेस की मिलती है। तो ये हरिवंश पुराण भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी मैंने करीबन देखा जाए तो ये मैंने महाभारत के बाद से परचेस किया था, लगभग 1999 में शायद इसको मैंने परचेस किया था। तो अच्छी बुक है, बुक की हालत देख सकते हैं आप कि क्या हो चुकी है आज की डेट में। तो बहुत अच्छे प्रिंट में और अच्छे जल्द में ये बुक मिल रही है, तो ये बुक आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद द्वितीय है तीसरी बात मैं ये कहता हूँ, ये है ब्रह्म नारद पुराण, यानी बृहद नारद पुराण। यानी नारद पुराण जो है वो है ये हिंदी साहित्य सम्मेलन तारणी चाह की बुक है और इलाहाबाद से प्रकाशित होती है ये बुक। आज की डेट में ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं और कई पुराने बुक सेलर्स के पास ये बुक्स मिल जाती है। तो बहुत अच्छी बुक है ये नारद जी के विषय में, इसमें बहुत सारी बातें हैं, माँ गंगा के विषय में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी धार्मिक बातें हैं, कई कथाएं ऐसी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी वो उसमें वर्णन मिलती हैं। तो पर ये पुराण अभी भी मुझे लगता है अधूरा है, इसका मैं जल्दी रिव्यू करूँगा तो आपको चीज़ें बताऊँगा इसके विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है नारद जी के विषय में, जो भी आपकी भ्रांति है कि नारद जी आके कहीं कुछ भी बोल देते हैं, कहीं कुछ भी बहुत बड़ा लड़ाई करवा देते हैं, इस तरह की भ्रांति जो लोगों के दिमाग में बनी हुई है नारद जी के विषय में, ये किताब उस भ्रांति को तोड़ती है। क्योंकि ये एविडेंस है मेरे पास कि नारद जी एक बहुत बड़े तपस्वी हैं और नारद जी ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इस ब्रह्मांड में हो, कोई नारद जी जैसा, जो नारद जी ने जो काम किया है, नारद जी की तपस्या जो है वो बहुत ही अकल्पनीय है। तो ये पुराण है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप भी इसे मंगा सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपको आता हूँ, ये मेरे पास लिंग महापुराण। लिंग महापुराण का रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा मेरा लिंग महापुराण, मेरे बुक्स रिव्यू में आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देखिएगा। ये लिंग पुराण मैंने ख़रीदा था, ये भी लगभग मैं 10वीं क्लास में था तब मैंने ये पुराण ख़रीदा था, 10वीं क्लास में रहा हूँगा। तो ये मेरा देखो 10वीं क्लास का ये एक, इसके अंदर मैंने जब किस किताब का अभी कुछ समय पहले मैंने निकाला तो उसमें मेरा 10वीं का ये कार्ड भी मिल गया मेरे को, जो कंप्यूटर कार्ड जब मैं कंप्यूटर क्लासेस लगती थी, तो ये देख करके और मुझे बहुत अंदर से एक
वो लगा कि थोड़ा सा हल्का सा आंसू भी आया आँख में कि इतनी पुरानी चीज़ मेरे को मिल गई इस किताब के अंदर। हमें मैंने किताब ली थी, इसकी प्रिंटिंग देख सकते हैं आप, ये देखिए इसकी प्रिंटिंग, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। तो ये किताब रणधीर प्रकाशन की है, रणधीर बुक सेल्स की किताब है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक है ये। एक शॉर्ट में जो मुझे पढ़ना चाहता है वो इसमें आपको सब वर्णन मिल जाता है। बाकी यही है कि इस किताब से मेरी फीलिंग इसलिए थी क्योंकि मैंने बहुत समय पहले की किताब ली हुई है। फिर इसके बाद आता है अगली चरण में, ये श्यामाचरण क्रिया अद्वैतवाद। जैसे कि मैंने आपको पहले रिव्यू में बताया था कि श्यामाचरण क्रिया योग अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है अशोक चुमार चपाटर जी ने ये लिखी है, श्यामाचरण लाड़ी बाबा की जो किताब है पुराण पुरुष का ये मान के चलो द्वितीय भाग है, जो लाड़ी बाबा ने जितने भी अपने अनुभव है उसमें लिखे हुए जो लिख करके अशोक कुमार चपाटर जी ने इसमें लिखा और वर्णन किया जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है। बहुत अच्छी बुक है ये। ये बुक आपको मिल जाएगी आसानी से, कोई ऐसे इशू नहीं है। कई बार योगी कथामृत हुआ, अद्वैतवाद का सिद्धांत हुआ, ये सब आपको चीज़ें मिल जाती है। ये मैंने ग्वालियर से परचेस की थी, बहुत टाइम पहले ये बुक मैंने ली थी, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और जो योग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लाड़ी बाबा की किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, योगानंद जी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, श्यामाचरण क्रिया अद्वैतवाद। इसके बाद अगली संख्या में मेरे पास आता है ये गोगा पुराण है। गोगा पुराण ये 40 भाग में है, ये आपका 100 भाग में है। तो हालांकि देखा जाए तो ये कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, ये लेखकों ने जो गोगा जी के बारे में जानते थे, कुछ जो चीज़ें एविडेंस मिले गोगा जी महाराज के बारे में, उनके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। देखिए संस्कृत हिंदी ऑथेंटिक वर्ड में नहीं है ये किताब, ये सिर्फ साधारण भाषा में और एक जगत के एक लिपि एक दोहो टाइप के लैंग्वेज में इस किताब को लिखा गया है, लेकिन हिंदी है पूरा और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है गोगा जी के विषय में कि गोगा जी कितने महान थे, गोगा जी के जो भगवान की तरफ पूछते हैं लोग उसके विषय में यह वर्णन है। तो मैंने ये किताब जनरल थी जो मैंने किताब ये ली और इसके विषय में आप भी मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। ये आपका जो आती है ये बुक यादव प्रिंटर्स दिल्ली से, यादव प्रिंटर दिल्ली से प्रकाशित होती है, ये आपको कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास कहीं बुक मिल जाएगी आपको। मैं अगले बार ये आता हूँ पतंजलि कालीन भारत जो है आपका, इस ये बुक है ये आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है बुक, ये बुक बहुत पुरानी बुक है देख सकते हैं, ये बुक आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है आज की डेट में, ये बुक मिल नहीं रही है। ये मेरे को कहीं से ये बिहार से बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की प्रकाशन काउंसिल की किताब है ये, तो देख सकते हैं आप इसको, तो ये आउट ऑफ प्रिंट है। इसमें बहुत सारे पतंजलि भारत जो अपना रहा है जो योग का वर्णन एक बहुत अपना जो एक तरह से किस क्षेत्र में धन का व्यवहार होना चाहिए, किस क्षेत्र में आपका ये व्यापार वाणिज्य कैसा था उस समय, उस सब की चीज़ों के बारे यज्ञ के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। ये अच्छी किताब थी, आप ये आज की डेट में ऑनलाइन पीडीएफ में शायद अवेलेबल है। इसके बाद भारतीय वांग्मय में राधा जी के बारे में जो किताब है मेरे पास, ये भी आउट ऑफ प्रिंट होती है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की किताब है देख सकते हैं, तो ये किताबें भी आप ले सकते हैं पढ़ सकते हैं, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है पीडीएफ में, इसकी ओरिजिनल प्रति आज की डेट में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही किताबें हैं जो कई लोगों के पास मिल जाती हैं। इसके बाद आपका ये वैशेषिक दर्शन है मेरे पास, वैशेषिक दर्शन देख सकते हैं आप, ये किताब वैशेषिक दर्शन में आप देख सकते हैं, ये है श्री ठुड्डीराज शास्त्री जी की किताब है देख सकते हैं आप, तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है, ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है, बहुत अच्छी किताब है और भी बहुत सारे दर्शन प्रकाशित होते हैं, ये मैं आपको एक दर्शन दिखाया है। इसके बाद गोरख महापुराण है मेरे पास, श्री गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के जो महान प्रवर्तक रहे नाथ संप्रदाय को जिसमें आगे बढ़ाया, दत्तात्रेय जी भगवान जी और गुरु दत्तात्रेय भगवान और उसके बाद मच्छिंद्रनाथ जी और उनके शिष्य श्री अपने गोरखनाथ जी, ये बहुत अच्छी किताब है। मैंने इसको मतलब बहुत समय सर्च कर रहा था तब जाके मुझे एक जगह मिली, काफ़ी कुछ वर्णन है, जो लोग गोरखनाथ जी के बारे में जानना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। गोरखनाथ जी एक किताब है, ये भी मेरठ से प्रकाशित होती है, लक्ष्मी प्रकाशन की किताब है, इसके लेखक है पृथ्वीराज जी देख सकते हैं आप, पृथ्वीराज जी इसके लेखक है, ये ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, इजली आज के डेट में अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको कहीं भी किसी बुक सेलर पे, ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है मिल जाएगी। इसके बाद मेरे पास जो है मदन मोहन शर्मा जी किताब, ये लंकेश्वर देख सकते हैं आप, ये किताब बहुत एक अच्छी किताब है, ये रावण के जो भी रावण के विषय में जानना चाहते हैं, रावण की जो एक दृष्टिकोण से रावण के दृष्टिकोण से एक रामायण का इसमें चित्रण है
और रावण की जो तपस्या के बारे में चित्रण है, तो रावण की कुछ अच्छाइयों के बारे में चित्रण इसमें किया गया है कि कैसे रावण ने क्या किया, किस किस परिस्थितियों में क्या किया, ये एक लेखक का दृष्टिकोण था। तो उस दृष्टिकोण की एक उपन्यास के रूप में इन्होंने सामने प्रस्तुत किया है, तो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं इस किताब को। इसके बाद इसी श्रृंखला में गीता प्रेस गोरखपुर की मेरे पास आरोग्य अंक है, ये आयुर्वेद की किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये। तो इसमें कैसे कैसे आपको दिनचर्या कैसे पालन करना चाहिए, गीता प्रेस ने बहुत रिसर्च करके ये किताब निकाली। तो हालांकि आयुर्वेद की किताबें गीता प्रेस पर बहुत कम हैं, लेकिन ये किताब आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे पास ये राष्ट्रीय बिहार राष्ट्रीय भाषा की ये जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की किताब है, पुराण परिशीलन। पुराणों में कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन है, किस किस द्वीप का वर्णन है, किन किन बातों का वर्णन है, जो रिसर्चेबल हैं वो सब इस किताब में दी हुई है। कई किताबों के रिव्यू मैंने इस किताबों से इसके पढ़ने के बाद भी मेरे को कुछ रिव्यू समझ में आते हैं, तो ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये भी आपको ऑनलाइन PDF में मिल सकती है archive.com पर, आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी जो भी वर्णन है इस किताब में मिलता है, सूर्यवंश का, चंद्रवंश का, किस तरह से क्या विस्तार हुआ, कहाँ क्या द्वीपों का वर्णन है, ये सब इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये किताब है, मिल सकती है, ये आपकी डेट में आउट ऑफ प्रिंट है, मिलना मुश्किल है, ऑनलाइन ही आपको मिलेगी। इसके बाद मेरे पास एक तंत्र की किताब है, श्री कृष्णयामल तंत्र। श्री राधा को भगवान कृष्ण ने तंत्र की विद्या जो दी थी उसके विषय में वार्तालाप है, उस किताब में वर्णन है, कृष्णयामल तंत्र। तो ये किताब का जब मैं रिव्यू करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या वर्णन है। देख सकते हैं आप, चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है, अच्छी किताब है। इसके जो व्याख्याकार हैं वो आचार्य राधेश्याम चतुर्वेदी जी हैं, देख सकते हैं। तो ये किताब भी अच्छी है, जो मंगाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ सकते हैं जिनको तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट है। इसके बाद मेरे पास ये ऋग्वेद संहिता है, देख सकते हैं आप, ऋग्वेद संहिता। ये जो है पंडित ईश्वर कन्हैयालाल जोशी की किताब है, ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता ऋग्वेद पूरा है लगभग, और भी चौखंबा वाले भी ऋग्वेद निकाल रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये जो प्रकाशित होती है आपकी परिमल पब्लिकेशंस दिल्ली से प्रकाशित होती है, देख सकते हैं आप, परिमल पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित होती है किताब। तो ये करीबन आपके 4 खंडों में है, आप सोच सकते हैं कि वेद कितना बड़ा है ये ऋग्वेद, केवल आप मात्र एक ऋग्वेद है। तो इस ऋग्वेद को आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली है ये, बहुत मुश्किल से और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने पे किताबों का ये किताबें मिलती हैं। तो इसकी श्रृंखला में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास संस्कृत हिंदी डिक्शनरी भी है, और एक हमारे मोतीलाल बनारसी दास की भी ये डिक्शनरी है। ये संस्कृत हिंदी और इंग्लिश तीनों का ट्रांसलेशन है। एक डिक्शनरी जो संस्कृत हिंदी पढ़ने का शौक़ रखते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं, उनके पास डिक्शनरी होनी चाहिए ताकि वो विश्लेषण कर सकें शब्दों के अर्थ क्या हो सकते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि यही मैं मूल ग्रंथों का सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिसिटी मिलती है वो संस्कृत डिक्शनरियों से मिलती है। तो ये मोतीलाल बनारसी दास की डिक्शनरी है, और ये है कमल प्रकाशन की संस्कृत डिक्शनरी। ये बहुत फेमस है, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी ये किताब, तो मैंने ये परचेस किया। इसके बाद इसी श्रृंखला में आएंगे, यह हमें हठयोग प्रदीप का है मेरे पास, ये आपके बरेली की किताब है, ये भी मैंने बहुत टाइम पहले ली थी और इसको मैंने पूरा पढ़ा। अब इसके बाद आपका, मुझे महात्मा गांधी जी से बहुत लगाव है, तो महात्मा गांधी जी की मैंने किताबें खरीदी थी, सत्य के प्रयोग करके एक महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश वर्जन दोनों मेरे पास है, तो जी मैंने ली थी और इसको मैंने पढ़ा। इसके अलावा ये शिव महापुराण है जो मैंने अभी मंगाई, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की है, आपने देखा होगा। इसके अलावा बाकी ये 4 खंडों में शिव महापुराण है, ये भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, आप वीडियो देखिएगा कि मैंने कैसे किताबों का रिव्यू किया हुआ शिव महापुराण का। इसके अलावा मेरे पास ये चौखंबा शिव महापुराण की, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की भी किताब है, ये भी आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको मैंने दिखाई नहीं है, तो वो मैं आपको इसके अगले भाग में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दिखाने बैठा तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। तो दोस्तों अगली बार फिर इसी मंच पर इसी जगह हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दोस्तों आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।